सो हेलो यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियोस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप भी यूट्यूब चैनल में थंबनेल कैसे बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर जब वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके लिए आप लोग को थंबनेल बनाना पड़ता है। तो इसके लिए आज हम अब इसके वीडियो में बताने वाले हैं कि यूट्यूब चैनल पर थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को पहुँच सके। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम अपना मोबाइल को होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हम मोबाइल को होम स्क्रीन पे आ गए। मोबाइल को होम स्क्रीन पे आने के बाद इसमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है पिक्सल ऐप। इसे जाके सिंपली से प्ले स्टोर एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर इसका लिंक हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देख सकते हैं हम अपना यहाँ पर पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ऑन कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा पिक्सल ऐप एप्लीकेशन ऑन हो गया। ऑन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ऊपर में एक थ्री डॉट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक करना है। थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इमेज साइज पर जाना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस पर क्लिक करके यहाँ YouTube थंबनेल का ऑप्शन आ रहा है, उसको ओके कर देना। ओके करने के बाद न्यू टेक्स्ट को यहाँ से सिंपली से डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कलर वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे। देख सकते हैं इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे हमें कलर सिलेक्ट के बाद यहाँ पे हमें कलर सिलेक्ट करना होगा। तो कलर सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ रहा है और एक ग्रेडियंट का, तो ग्रेडियंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इस इफेक्ट बनाया हुआ है बैकग्राउंड। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सिंपली से प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और अपने मन से हम यहाँ पे कलर चूज करने वाले हैं जो कि कलर मिला के हम बैकग्राउंड बनाएंगे। जैसे देख सकते हैं ऊपर नीचे ऐसे कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अब जैसे देख सकते हैं नीचे में दो ऑप्शन आ रहा है, यहीं से हम कलर बैकग्राउंड चेंज करेंगे। नीचे दो एरो का ऑप्शन आ रहा है, उस पर एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो इस पर हमें सिंपली से क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कुछ इस प्रकार से ऐसे कर लेंगे। उसके बाद यहाँ हम थोड़ा सा इसे ग्रीन कर लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसे हम सिंपली से ओके कर देंगे। यहाँ से देख सकते हैं ओके करने के बाद दूसरे भाग को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे कलर चूज कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ये देखिए यहाँ डार्क कर देंगे थोड़ा कुछ इस प्रकार से, ये देखिए हमारा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। इसी प्रकार से आप भी अपने के लिए कलर बना लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। ये देखिए हमारा कलर बन के तैयार है कुछ इस प्रकार से, यहाँ से देख सकते हैं। अब इसे जैसे भी घुमाना चाहते हैं घुमा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे सिंपली से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम जो बैकग्राउंड बनाए थे कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार है हमारा बैकग्राउंड। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बन के तैयार है। उसके बाद यहाँ पर एक अब हमें इफेक्ट बनाना है, जो कि इफेक्ट बनता है वो हमें इफेक्ट बनाना है। तो इसके लिए सिंपली से ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक बीच में ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन आ रहा था, ड्रॉ वाला ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है। ड्रॉ वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिल इनसाइड का एक ऑप्शन आ रहा था, तो फिल इनसाइड वाला ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है। फिल इनसाइड वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम व्हाइट कलर चूज कर लेंगे और यहाँ पे पेन का साइज प्लस माइनस कर सकते हैं, जितना आप साइज रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें सिंपल से ड्रॉ करना है कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं ये देखिए हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे व्हाइट कलर चूज करके। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना है आप लोग को भी, ये देखिए हम ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ करने के बाद यहाँ सिंपली से इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली से ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद सेव एज इमेज कर लेंगे, इसे हम सेव कर लिए। सेव करने के बाद यहाँ फिर से हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद फिर से यहाँ पर हम सिंपली से बैक आ जाते हैं, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कलर वाला ऑप्शन पे जाएंगे, फिर से हम कलर जो हम बनाए थे उसे हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये कलर बनाए थे। उसके बाद यहाँ पे अब हम देख सकते हैं प्लस वाला आइकन पे जाएंगे, फ्रॉम गैलरी में जाएंगे। उसके बाद जो अभी हम इफेक्ट बनाए थे उसे हमें सिलेक्ट करना है। जैसे देख सकते हैं ये हम इफेक्ट बनाए थे कुछ इस प्रकार से, तो इसे हम चूज कर लेते हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बनाए थे, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसे कर लेंगे, इसे साइज मिला लेंगे। ये देख सकते हैं ये देखिए कुछ इस प्रकार से सेट कर लीजिएगा आप लोग भी। अब यहाँ पे हमें शेप एक लगाना, तो शेप लगाने के लिए सिंपली से इस पर बीच वाला ऑप्शन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे शेप का ऑप्शन आ रहा है, तो शेप वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद इसकी साइज़ को हम थोड़ा सा इस प्रकार से बढ़ा लेंगे, देख सकते हैं साइज बढ़ा लेंगे, इसे ऊपर से छोटा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसे डन कर देंगे। डन करने के बाद जो हमारा पहला इफेक्ट है ये, इसे हम सिंपली से लॉक कर देंगे। लॉक कैसे करेंगे, यहाँ पर लेयर वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं लॉक का ऑप्शन आ रहा है, तो लॉक कर देंगे। लॉक करने से क्या होता है कि जैसे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे देख सकते हैं अभी ये हिल डोल रहा है, इधर उधर हो रहा है, लॉक कर देंगे तो ये इधर उधर नहीं होगा। तो इसे सिंपली से हम लॉक कर देते हैं, यहाँ से देख सकते हैं लॉक कर दिए। लॉक करने के बाद अब इसका भी हम कलर बना लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वाला सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कलर का ऑप्शन आ रहा है। कलर वाला ऑप्शन आने के बाद इसे इनेबल कर दीजिएगा। इनेबल करने के बाद यहाँ पर जो भी कलर आप रखना चाहते हैं इसका यहाँ पर कलर सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम इसे ग्रीन कलरिंग
कर देते हैं। ग्रीन कलर करने के बाद अब इसे हमें देख सकते हैं ये हमारा ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है, तो इसे सिंपली से लेयर वाला ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे एक देख सकते हैं पेंसिल का आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद कॉपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार से हमारा नीचे आ जाएगा आसानी तरीके से। देख सकते हैं ये हमारा नीचे आ गया। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा ये लग रहा है देखने में, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं इसे भी सिंपली से हम लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद यहाँ पर हम एक आइकन प्लस प्लस करने वाला है, यूट्यूब का लोगो यहाँ पर देने वाले हैं। तो यूट्यूब का लोगो हम पहले ही डाउनलोड करके रखे थे, तो यहाँ पे आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा PNG। उसके बाद यहाँ पे हम डाउनलोड वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे, जो भी आप लोग डाउनलोड करके रखे हैं यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन पे आके आप लोग अपने गैलरी से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम यूट्यूब का एक लोगो बना के रखे थे, उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम ये लोगो बना के रखे थे। उसके बाद यहाँ पर हम इसे सिंपली से छोटा कर लेते हैं, इसकी साइज़ को हम छोटा कर लेंगे। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसे घुमा देते हैं, ये देखिए कुछ इस प्रकार से लग रहा है। इसमें हम थोड़ा सा शैडो दे देंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे स्ट्रोक वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे। स्ट्रोक वाला ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ थोड़ा सा हम इसे ऐसे इस प्रकार से कर देंगे, ये देख सकते हैं, ताकि हमारा लाइट आए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ प्लस वाला पे जाएंगे, उसके बाद एडिट वाला न्यू टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हम यूट्यूब लिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब, कुछ इस प्रकार से यूट्यूब लिख दिए हैं, ये देख सकते हैं। उसके बाद इसके हम फॉन्ट को चेंज करेंगे, फॉन्ट चेंज वाले फॉन्ट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे बोल्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसकी भी बोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे साइज थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब इसमें हम फिर से YouTube में भी हम इफेक्ट डालना है, हमें स्ट्रोक करना है, तो इसे स्ट्रोक वाला ऑप्शन पे क्लिक करके ब्लैक ऑप्शन क्लिक करके यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, ये देख सकते हैं, ताकि हाई लाइट हो हमारा। देख सकते हैं YouTube लगा दिए। अब इसके बाद इसमें हमें इस दोनों को हमें इसे लॉक कर लेना होगा, देख सकते हैं हम दोनों लॉक कर लिए। लॉक करने के बाद अब हम इसमें इमेज अपना भी लगाना है, इमेज भी लगाना है, तो इमेज भी हम इसे सिंपली तरीके से लगाएँ। इमेज कैसे लगाएंगे, जो भी एक इमेज कैमरा से आप खींच लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हम गूगल एप्लीकेशन में आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गूगल एप्लीकेशन में आ जाएंगे। गूगल एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सर्च कर लेंगे रिमूव BG, यहाँ पे देख सकते हैं रिमूव BG। उसके बाद सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं रिमूव बैकग्राउंड वाला ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा फोटो है उसे हम सिंपली से यहाँ पे क्रॉप करने वाले हैं। अगर आप लोग इमेज को क्रॉप करने वाला जो भी इमेज सिलेक्ट करके रखे उसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम इमेज अपना एक सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा इमेज है जो क्रॉप होगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अपलोडिंग हो रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। देखिए हमारा इमेज बन के तैयार है कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं। तो यहाँ हम सिंपली से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे सिंपल से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद फिर से हमारा यहाँ पे पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में जाएंगे। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद यहाँ पे हम जो इमेज क्रॉप किए हैं इसे सिलेक्ट कर लेंगे, देख सकते हैं। ये देखिए हमारा इमेज ये रहा, कुछ इस प्रकार से इमेज है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लगने वाला है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं, ये देखिए। अब इसे हम फोटो में भी थोड़ा शैडो डाल देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर जाना है। इसके जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं शैडो वाला ऑप्शन आएगा, एक शैडो वाला ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है। शैडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ये होता है कि रियलिटी लगता है, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। इस प्रकार से शैडो डाल दीजिएगा, इसे भी फिर लॉक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से टेक्स्ट वाला ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर लिखना है यूट्यूब थंबनेल। यहाँ पर थंबनेल हम लिख देंगे, थंबनेल लिख दिए। थंबनेल लिखने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका फिर से फॉन्ट वाला ऑप्शन पे जाएंगे। फॉन्ट वाला ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे फॉन्ट वाला बोल्ड ऑप्शन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसकी साइज़ हम थोड़ा बढ़ा देंगे, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। ये देखिए हम साइज़ बढ़ा दिए। साइज़ बढ़ाने के बाद यहाँ पर फिर से हम स्ट्रोक वाला ऑप्शन पर जाएंगे, तो आप लोग भी स्ट्रोक वाला ऑप्शन पर जाके इसे थोड़ा सा हम प्लस कर देंगे, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए प्लस करने के बाद यहाँ पर अब फिर से हम प्लस वाला आइकन पर जाएंगे, न्यू टेक्स्ट लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखना है कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी राइटिंग लिख देंगे हम कैसे, ये देखिए कैसे बनाएं कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं। इसको हम फिर से हम यहाँ पे फॉन्ट ले लेंगे, यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद इसकी साइज़ को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, कुछ इस प्रकार से ऐसे हम यहाँ पे ले आएंगे। ये देखिए ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे हम इसके कलर को फिर से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसे स्ट्रोक थोड़ा डाल देते हैं, ये देखिए इसके कलर को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम इसे यहाँ पे हम इसे येलो कलर देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कलर पे जाएंगे, कलर वाला ऑप्शन पे जाने के बाद इसे येलो कलर सिलेक्ट कर देते हैं, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा थंबनेल बनके तैयार है। तो इसी प्रकार से आप भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल बना सकते हैं, जिसे देख सकते हैं हम इसी प्रकार से आसानी तरीके से अपने यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल बनाएं, वीडियो के लिए बनाएं, तो इसी प्रकार से आप भी बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर